औरंगाबाद, सीवान, दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर। नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार में जंगल राज अपने चरम पर है और हिंसा के इस चरम पर जेडीयू बीजेपी गठबंधन चरमानंद में है। नीतीश कुमार के इस जंगल राज में दुकानों को जलाया जा रहा है, बेकसूर लोगों की गर्दनें काटी जा रही हैं, तलवार लहराए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदायों में दहशत पैदा की जा रही है और इस दहशत का डंका पीटा जा रहा है। क्या इस देश के अंदर भारत माता की जयकार करना अपराध है? क्या इस देश के अंदर जय श्री राम वंदे मातरम करना अपराध है? अगर अपराध है तो अपराधी हो सकता है। पुत्र मोह में डूबे इस केंद्रीय मंत्री की कानून में आस्था की कहानी सुन लेंगे तो सहम उठेंगे, लेकिन अभी बिहार के जंगल राज को जज्ब कीजिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की जोड़ी जंगल राज को राम राज साबित करने में जुटी हुई है। दरभंगा में मोदी चौक के नाम पर एक अफवाह फैलाकर हत्या कर दी जाती है। औरंगाबाद में रामनवमी के जुलूस को आगजनी और खून खराबे के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आरा में दो पत्रकारों को बेरहमी से कुचलकर मार डाला जाता है। भागलपुर में हिंदू नववर्ष को मुसलमानों में दहशत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोपालगंज में हनुमान जी की मूर्ति को लेकर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं लोग, और पुलिस चुपचाप दंगों की आग पर अपने हाथ सेकती रहती है। ऐसा लगता ही नहीं कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जुगलबंदी को जलते हुए सूबे में लौटे जंगल राज से कोई फर्क पड़ता है। आजकल का क्या एटमॉस्फेयर, वोट बनाने के लिए लोग झगड़ा कराते थे। अब आप बताइए, जब साफ साफ है कोई अगर बिना परमिशन के जुलूस निकालता है भागलपुर में तो FIR दर्ज होता है। तो बिहार में जंगल राज पार्ट टू की वापसी हो चुकी है। इस जंगल राज में लालू यादव या उनके वंशजों की सत्ता में कोई भूमिका नहीं है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एक प्रतापी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन पर उनकी लगाम पूरी तरह छूट चुकी है। ये तो सोसाइटी को खतरा है, और हम पहले से भी कह रहे हैं कि ये नागपुर से जो है सरकार चलाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया, बीजेपी के चंगुल में वो फंसे हुए हैं और बीजेपी के केंद्र राज्य मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। बिहार की सत्ता में भागीदार बीजेपी से भारत के केंद्रीय मंत्री खुद अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, लोग दंगे फैला रहे हैं और सरकार देख रही है। चाहे वो दरभंगा हो, भागलपुर हो, औरंगाबाद का हो, सिवान में अभी कल घटी है, ये तमाम राजद और कांग्रेस के लोग योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र पूर्वक और पूरी तरह से अपराधियों के सरगना को और ऐसे शरारती तत्वों को राजद के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह पर हिंसा भड़काने का काम किया। ये भोलापन सच में कमाल का है। लोग आग लगा रहे थे, हम देख रहे थे। लोग गर्दने उतार रहे थे, हम देख रहे थे। लोग बस्तियां उजाड़ रहे थे, हम देख रहे थे। हमारी सरकार महान है, इस महानता पर सवाल मत उठाओ। हमारे जंगल राज को राम राज कहते हैं।